हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आया हूँ हरित वाटिका। यहाँ पर जेवर के पास ये है और यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स है। तो अभी इस एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, जैसा आपको पता हो 2024 तक यहाँ पर एयरपोर्ट आने वाला है और बहुत सारे डेवलपमेंट है, जैसे फिल्म सिटी है, इंटरनेशनल सर्किट है। तो इसके पास ही एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मेरी नज़र में आया है, हरित वाटिका। सो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सो वाकई भी बहुत ही ग्रीनरी है और इसमें ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स है। तो चलते हैं अभी सेल्स ऑफिस में और वहाँ पे मैनेजर से बात करते हैं और प्रोजेक्ट का ब्रीफ लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है अर्जुन सिंह एंड मैं यहाँ पे सेल्स मैनेजर हूँ इस प्रोजेक्ट में। तो आज हम बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे हमारा एक प्रोजेक्ट है हरित वाटिका के नाम से, ठीक है, जो कि बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे पे जिसके बराबर में आपकी सर्विस रोड है, उसी सर्विस रोड पे हमारा मेन गेट ओपन होता है, ठीक है। 65 एकड़ की हमारी टाउनशिप है जिसके अंदर हमारे तीन फेस आए हुए हैं, जिसमें से वन फेस में हमारे 500 प्लॉट थे वो सारे सोल्ड आउट हैं। सेकंड फेस में हमारे 290 प्लॉट थे जिसमें से सिर्फ 3-4 प्लॉट बचे हैं, बाकी हमारे थर्ड फेस में प्लॉट हमारे पास अवेलेबल हैं, 150-200 प्लॉट करीब हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें अगर मैं साइजेस की बात करता हूँ, हमारे पास 100 स्क्वायर यार्ड से लेके 300 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट हैं, जैसे कि 100, 150, 200, 300 प्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। करते हैं हम कि इसमें प्लॉट्स कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से साइज के कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं, तो मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग में ये हमारी जो फर्स्ट रो आप देख रहे हैं, इसमें सारे हमारे 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रो आती है वो हमारी 200 स्क्वायर यार्ड की प्लॉट है। उसके नेक्स्ट रो आती है वो 150 स्क्वायर यार्ड के हमारे प्लॉट्स हैं सारे। इसके बाद जो हमारी रो आएंगी वो आएंगी 100 स्क्वायर यार्ड। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर क्या क्या हम बना के दे रहे हैं, बिल्डर क्या क्या बना के दे रहे हैं, हम लोग क्या क्या इसके अंदर डेवलप करके दे रहे हैं, तो इसके अंदर हम ऑलरेडी टेम्पल आपका बना चुके हैं जो कि वहाँ पे ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, ठीक है, और सारी चीज़ें वहाँ बन चुकी हैं। इसके बाद मैं बात करूँ, टोटल हम इसके अंदर 5 पार्क बना के दे रहे हैं, क्योंकि 4 पार्क हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, ग्रासिंग सारी चीज़ें हो चुकी हैं। 5वां पार्क है वो हमारा अभी बनने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर आपका क्लब हाउस, इसके अंदर आपका जो है प्ले स्कूल, कमर्शियल सारी चीज़ें इसके अंदर आपके पास अवेलेबल रहेंगी। ये हमारा काम है जो ऑलरेडी डेवलप हो रहा है, काम चल रहा है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट फेज वन में भी काम चल रहा है, इसके अलावा सेकंड फेज में भी हमारा काम चल रहा है, वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। इसके अलावा हमारा थर्ड फेज में भी काम चल रहा है और मैं आपको धीरे धीरे अपने पार्क भी दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे हमारे पार्क हैं, कितना हमने डेवलप कर चुके हैं उसको, कितना बन चुका है सारी चीज़ें। ये हमारा पार्क है जो हम ऑलरेडी इसमें ग्रासिंग वगैरह कर चुके हैं एंड पौधे वगैरह पेड़ पौधे भी लगा चुके हैं कि उस टाइम तक काफ़ी बड़े लेवल पे हो जाएंगे, तो इस वजह से हमने अभी से सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं। एक पार्क ये है, एक आपका ये है, इसके अलावा 2 पार्क आपका आगे हैं जो कि ऑलरेडी बन चुके हैं, वहाँ पे एक पार्क वो है, एक पार्क ये है आपका। थर्ड पार्क हमारा ये है और तो टोटल 4 पार्क ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। बस आपको यहाँ आना है, प्लॉट लेना है और घर बनाना है। ये आपकी सेकंड एंट्री रहेगी, फर्स्ट एंट्री जिधर से हमने आपको समझाया था स्टार्टिंग में, वो सेकंड एंट्री ये रहेगी। ये हमारी 60 फीट की रोड रहेगी, इसकी जो मेन रोड है 60 फीट और 55 फीट की रोड है। इसके अलावा अगर अंदर की बात करें तो हम 40 फीट और 25 फीट के रोड रहेंगे इसके अंदर। इसके अलावा देख रहे हैं आप, इस फेस में हमारे सारे RCC रोड वगैरह बन चुके हैं, पेड़ पौधे लगाना हमने स्टार्ट कर दिए हैं, तो डेवलपमेंट ऑलमोस्ट आपकी चालू है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत जल्द इसका जो है 2-3 महीने में हमें इसका जो है पोजीशन देने वाले हैं, तो आप आइए, आके बनाइए, बना के रहना स्टार्ट कीजिए। फ्रेंड्स, ये प्लॉट मुझे वाकई में बहुत अच्छे लगे। इसके आसपास भी कई सारे प्लॉट्स कटे हुए हैं, बट ये जो प्लॉट्स है इन्होंने डेवलप कर रहा है, ये फुल्ली डेवलप हो चुका है। पार्क और जो भी है, सीवर और बिजली सारे लगभग लग चुके हैं, ये सेल्स ऑफिस है इनका। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप परी चौक यमुना एक्सप्रेसवे से आ सकते हैं, वहाँ से अगर नॉन स्टॉप आते हैं तो 35 मिनट के आसपास आपका लगता है। यमुना एक्सप्रेसवे जो कि आगरा की ओर सीधा जाती है, सो वहाँ से आप आएंगे तो सेंटर में आपको पहले फिल्म सिटी मिलेगा जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है लैंड,
ये देखिए फिल्म सिटी सेक्टर 21, और उसके बाद आपको जेवर एयरपोर्ट आता है, जिसपे 2024 में दो रनवे का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये देखिए ये पहुंच चुके हैं अपने प्लॉट्स पे। तो ये देखिए सामने ये आपका उधर नोएडा से आते हैं, और ये रहा अपना हरित वाटिका। देखिए पूरा डेवलप हो चुका है, ग्रीनरी, बड़े बड़े पेड़ पौधे सारे लग चुके हैं। ये रही एंट्री, यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट्स है, एंट्री है, और बस 10 मीटर की दूरी पे है ये। ये देखिए 10 से 20 मीटर ही दूरी होगा यमुना एक्सप्रेसवे से। और ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं, ये एक सर्विस लेन है जो कि ऑलरेडी प्रपोज्ड हो चुका है, और ये बन रहा है जो कि फिल्म सिटी, जेवर और सबको कनेक्ट करता हुआ जाएगा। तो बहुत ही प्राइम लोकेशन है ये, सीधा रोड आगरा जाता है, ताजमहल देखने अगर जाते हैं तो इधर से ही जाते हैं, और इधर से हम आए नोएडा से। तो आप एक बार इस प्लान कीजिए विजिट का, आप मिस्टर अर्जुन सिंह से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मैं आपको दे दूंगा उनका, और या फिर आप मुझसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेना नहीं लेना वो तो सेकेंडरी ऑप्शन है, बट आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ कम हियर वंस, एक बार आइए प्रोजेक्ट को देखिए और फिर आप डिसाइड कीजिए। अभी ये बहुत सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि 2-3 साल बाद जब यहाँ पे फिल्म सिटी या जेवर एयरपोर्ट बन जाएगा, तब यह रेट जो आपको यहाँ पे 18,000-19,000 के आसपास जो मिल रहा है, यह आपसे कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ चुका रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट, अगर आप अच्छे इन्वेस्टर्स हैं तो आपको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट तभी करना चाहिए जब चीज़ें वहाँ डेवलप नहीं हुई हो। अगर चीज़ें डेवलप हो जाएगी तो वहाँ पर रेट ऑलरेडी 4 गुना बढ़ जाता है। और जेवर ऐसे एयरपोर्ट के आसपास का इलाका जो कि यहाँ से मात्र 5 से 7 मिनट की दूरी पर है, ऑलरेडी पीक पे है। अगर आप साइट विज़िट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर कॉल कीजिए, किसी भी मेट्रो स्टेशन से नोएडा के आपको फ्री पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी दी जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।